न्यूज के सह प्रायोजक हैं मेडिसिन हॉस्पिटल। धर्मशाला में ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट के आकाश में प्रधानमंत्री मोदी बोले, दुनिया में मंदी लेकिन भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। आजादी मार्च में फंसे इमरान पाक सेना ने भी मध्यस्थता से किया इनकार, कहा इन सब से सेना का कुछ लेना देना नहीं। दिल्ली NCR में प्रदूषण से भारी राहत के आसार, बारिश से मौसम के बदले मिजाज। BSNL ने कुछ बदलाव कर दोबारा शुरू किया 1699 रुपए का प्लान, अब मिलेंगी 2 महीने की अतिरिक्त सर्विस और 3 GB डाटा प्रतिदिन। पड़ोसी देश से तनाव के चलते सलमान ने राहत फतेह अली खान के गाने को किया फिल्म से बाहर। बिग बॉस में हुई रश्मि देवोलीना की वापसी, घर वालों को लगा बड़ा झटका, सिद्धार्थ शुक्ला का उड़ा चेहरे का रंग। स्पॉट फिक्सिंग मामले में फंसे 2 और भारतीय खिलाड़ी, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की तरफ से खेल चुके गौतम और बहरार काजी को गिरफ्तार किया गया। सैफ अली खान ने एक्स वाइफ अमृता का किया जिक्र, कहा वो इकलौती ऐसी हैं जिन्होंने मुझे फैमिली, काम और बिजनेस को संजीदगी से लेना सिखाया। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के लिए भारत ने मांगी ZTEC सुरक्षा, पाक ने किया बैटरी से चलने वाली खुली गाड़ी का इंतजाम। कई विवादों के बाद आखिरकार रिलीज हुई फिल्म बाला, अब उजड़ा चमन से सिनेमा घर में भिड़ेगी फिल्म बाला। देश और दुनिया की सबसे पहले खबर पाने के लिए हमारे चैनल द UP हेडलाइंस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।